नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, हमने बाबू क्वेश्चन नंबर 9 जो करवाए थे, 9 करवाए थे बाबू, है ना, 9 एलकेजी का क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लो जिससे नहीं बना सियोना बाबू, बाबू मन से पढ़ना सियोना। क्या था सर, क्या था सर, 1 प्लस बाबू 5 रूट कितना था, रूट 2 था, यही था ना बाबू, आदित्री मन से पढ़ना आदित्री, ठीक ठीक सर, यही था, है ना। देखो इसको क्या करना बाबू, इसको कह रहा रेशनलाइजेशन करना, करने के लिए रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या था, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट दिख रहा, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है इसको गायब करने का रहा, रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर में जो ये सिंबल है इसको गायब करो। तो कैसे गायब करेंगे वो, कैसे गायब करेंगे, 1 + 5√2, ठीक। तो आपको बताए थे मेरे लाल, बताए थे बाबू कि जो भी टर्म यहाँ रहेगा उसी टर्म से क्या करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। तो क्या है सर, 5 क्या है बाबू, 5√2 है, और क्या बाबू, 5 जो टर्म है उसी से लिखना, यहाँ 5√2 है ना, तो 5√2 लिखे, और यहाँ जो रहेगा ना साइन उसका उल्टा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लेना, और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस लेना, तो यहाँ प्लस है ना बाबू, तो इसका माइनस साइन लेना, माइनस लेना, ठीक ठीक बाबू, यही करना। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट नेक्स्ट, मन से पढ़ना आदित्री, 1 में इसे मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाबू 5 बाबू माइनस रूट 2, यही होगा। और ई बाबू क्या हो गया सर, ई ऐसे नहीं हो गया, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, 5 + √2 और 5 − √2, ठीक। अगर बाबू अलजेब्रा आप लोग पढ़े बाबू, तो अगर ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला पे है, और नहीं तो बाबू इसको मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो वही चीज आएगा, वही चीज आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैसे सर, अरे शैतान यहाँ देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए पहला टर्म है सर प्लस दूसरा टर्म, फिर दोनों टर्म का क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वाले टर्म को बाबू इसको 5 है ना, इसको ए मान लो, दूसरे वाले टर्म को क्या मान लो, बी मान लो, बीच में प्लस है प्लस दे दो। नेक्स्ट बाबू पहले वाले टर्म को क्या मान लो, ए मान लो, रूट 2 है ना बाबू, यहाँ भी रूट 2 है तो रूट 2 को सर लाइनिंग आ रहा है, रूट 2 को क्या माना, बी माना, हट गया सर, हाँ बाबू चलो ठीक है। बीच में क्या सर, बीच में क्या बाबू, बीच में क्या बाबू, बीच में क्या, माइनस माइनस दे दो। तो फॉर्मूला मम्मी नहीं पढ़ाई बाबू, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ मतलब जहां जहां ए रहेगा, जहां ए है वहां पे क्या रखेंगे, ये है वहां पे, ये किसको माने, 5 को माने हो ना, हाँ सर ये तो 5 को माने है ना। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला हम लोग नीचे लिख लेते हैं, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, ठीक बाबू। तो ए को किसको माने, ए किसको माने, 5 को, तो एक जगह क्या लिखना, एक जगह क्या लिखना, 5 लिखना, और स्क्वायर को छोड़ देगा, छोड़ देगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना बाबू, जिंदगी एकदम पूरे बर्बाद हो जाएगा, छोड़ना नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना, माइनस है। बी किसको माने, रूट 2 को ना माने, हाँ सर रूट 2 को माने, तो रूट 2 का क्या लिखना, स्क्वायर लिखना, है ना, ठीक बाबू। और रूट 2 का स्क्वायर बाबू आपको बताया नहीं था बाबू, यहाँ ऑर्डर 2 है पावर 2 नहीं, और नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कैसे सर, कैसे सर, 5 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 5 × 5, और किसी भी नंबर का स्क्वायर रहेगा बाबू तो उसको 2 बार लिखेंगे, बचपन से ना पढ़ा रहे बाबू, आंसर 2 होगा, 2 बार, अच्छा ठीक है, वीडियो ऑन कीजिए पहले, ठीक। किसी भी नंबर का स्क्वायर रहेगा सर तो 2 बार लिखेंगे, क्यूब रहेगा सर तो 3 बार लिखेंगे, और पावर 4 रहेगा सर तो 4 बार लिखेंगे, पावर 5 रहेगा तो 5 बार लिखेंगे, किसने पढ़ाया, हाँ सर ये तो पढ़ाया सर। अब √2√2 उससे नहीं पढ़ाया था बाबू, √2√2 कितना होता है, 2 होता, तो इसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 हो गया बाबू, ये 5 कितना, 25, मम्मी 5 कितना पढ़ाया, 25 है ना, ठीक है। और √2√2 कितना होता सर, 2 होता, तो ये 2 हो गया, है ना, लेकिन गड़बड़ हो गया बाबू मेरा, गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ हो गया बाबू मेरा, है ना, ठीक। ऊपर वाला टर्म हमने छोड़ दिया सर, ऊपर वाला छोड़ दोगे, न्यूमरेटर वाला, हम लोग तो डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहे थे ना खाली, और न्यूमरेटर वाला छोड़ दोगे, न्यूमरेटर को लेके चलना बाबू मेरे, नहीं तो मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, अरे मेरे लाल न्यूमरेटर वाला टर्म छोड़ दोगे, 1 कितना, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 5√2 से, 5 − √2, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर में ये वाला डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में लिखना, तो कैसे लिखोगे सर, 5 का स्क्वायर बाबू माइनस √2 का स्क्वायर, हमने न्यूमरेटर वाला टर्म छोड़ रहे थे ना, छोड़ दोगे गलत हो जाएगा, है ना, मर्डर हो जाएगा, मर्डर को छोड़ना नहीं, ठीक। अब इसको फिर हम लोग फर्दर कैसे लिखेंगे सर, 5 − बाबू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये 5 है बाबू तो 5 का स्क्वायर 25 सर, और √2 का स्क्वायर √2, यही है ना, ठीक बाबू, ये 5 − √2 इसको सब्ट्रैक्ट मत कर देना, नहीं तो बाबू दिक्कत हो जाएगा, 25 है बाबू, √2 √2 मम्मी क्या पढ़ाई है, 2 पढ़ाई है ना, तो 5 − कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक सर, 25 − 2 कितना पढ़ाई है, 23 पढ़ाई, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, अगला 10 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं, जल्दी लिखिए सर, बना लिए सर, तब भी सर सही गया सर, तब भी लिखिए।
नहीं नहीं सही नहीं बाबू, अदित्रि जल्दी लिखे बाबू, समझे अदित्रि कि नहीं समझे अदित्रि? सर हमको भी लिखना है सर। जल्दी लिखिए गौरव बाबू, वीडियो ऑन कीजिए, सब शैतान लेट से आता है। सारा बच्चा को 6:20 में आ जाना है, जो जो लेट आएगा वो अटेंडेंस कार्ड देंगे, 200 रुपया आपका छूट जाएगा। बाबू 20 मिनट टाइम बढ़ाए ना जी, अब मेरा जान लोगे, बताओ कितना बढ़ाए, 6:20 तक खेलो आप लोग। हाँ बाबू प्रखर शैतान, अंशु जी को नेटवर्क खराब है सर। हाँ सर बोलिए ना सर। मेरे बाबू दर्शन दीजिए ना मेरे बाबू। बिट्टू बिट्टू कहाँ हो बिट्टू, घर चल गए बिट्टू? सर गांव में। हाँ बाबू तो गांव में, वो तो फील्ड में जाइए पढ़िए आराम से बैठ के, दिक्कत क्या बाबू, शाम है आराम से फील्ड में जाकर बैठ के पढ़िए। जब हम लोग पॉलिटेक्निक के पढ़ाते थे बाबू तो वहां पे जानते बच्चे कैसे पढ़ता था, सुबह सुबह 6:00 से 5:00 से क्लास चलता था, तो आम के गाछी पे आम के पेड़ पे चढ़ जाता था सर, वहीं से पढ़ता था एकदम सुबह सुबह बाबू, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन में सर। है ना पॉलिटेक्निक वाला बच्चा बड़ा बड़ा होता है ना, सब 10th पास करके जाता सब आम के पेड़ पे चढ़ के पढ़ता है, क्योंकि बाबू नीचे नेटवर्क मिलता नहीं था गाँव में, अब पढ़ना भी जरूरी था सर, लॉकडाउन लगा हुआ था सर, ऑनलाइन क्लास कहीं चल नहीं रहा था, तो हम ही के भरोसे था, इसीलिए सब बाबू आम के पेड़ पे चढ़ता था सर, नेटवर्क खूब मिलता था। गरीब रहता है सर। जल्दी लिखे जल्दी लिखे सर, तो छात पर भी तो फ्री में पढ़ाते थे क्या? अरे मेरा छात बाबू, बहुत सारे बच्चे को छात नहीं ना रहता बाबू, ये फूस वाला मकान रहता है, मिट्टी वाला मकान रहता है, आप लोग ना हाई फाई सीमेंट वाला में रह रहे हो, अभी गरीबी देखे बाहर निकल के फील्ड में, फील्ड में बाबू पेड़ पे थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, घर पे भी छत है लेकिन मतलब उसमें चढ़ नहीं सकते, तो आम के पेड़ पे बेचारा चढ़ के पड़ता था, वहां पे नेटवर्क ऊपर हाइट पे नेटवर्क मिलता है ना, इसको समझना इसको समझना। ठीक ये सब किस क्लास का सर? सारा का सारा बाबू एल के जी यू के जी का है, क्या करे बाबू, एकदम बहुत दुख होता पढ़ाने का, नहीं मन करता ये सब पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या करे बाबू पढ़ाना पड़ता है इसे, एकदम इसम कुछो है बाबू, दो क्लास का बच्चा को तो वो सभी बना देगा, खाली थोड़ा सा 1 महीना मेरे यहाँ पढ़ ले। नेक्स्ट क्या है सर, क्या है सर? कुछ नहीं है सर, जो क्वेश्चन है लिखना, जो बाबू लिखना नहीं है समझना है, जो लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक आपको हमने क्या बोला बाबू, इस डिनोमिनेटर में बोला रूट सिक्स है ना, इसको गायब करना, गायब करना तो कैसे गायब करोगे, कैसे गायब करोगे तो बाबू रेशनलाइजेशन करके, तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे सर, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा हुआ सर उसी से मल्टीप्लाई करना, कौन सा लिखा हुआ सर, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर को छोड़ देना, डिनोमिनेटर में क्या है सर 5 है बाबू रूट सिक्स है, हाँ सर अब 5 है बाबू कितना है रूट सिक्स है, और यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो पीछे करेंगे प्लस से, यहाँ प्लस से करेंगे, ठीक ठीक सर, यहाँ माइनस टर्म नंबर जो भी टर्म रहेगा वही लिखना, खाली प्लस माइनस करना, माइनस रहेगा प्लस और यहाँ प्लस रहेगा, पिछले बार में प्लस था ना तो माइनस से किए थे, यहाँ माइनस है तो प्लस से कर रहे हैं, हर एक टाइप का एग्जांपल लेकर आपको बता देगा, है ना। ठीक बाबू अब इसको क्या करना बाबू, इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, मम्मी नहीं पढ़ाई है न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, जो न्यूमरेटर में उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या सर 5√6 बाबू, और 5√6 है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आइए बाबू इसको मल्टीप्लाई करो 5 − √6 और कितना बाबू 5 + √6 है ना। ठीक बाबू अब यहाँ बाबू आंख खोल के सत्याम वीडियो ऑन करो शैतान, इसको तो कूट देंगे पकड़ के, सब शैतान पढ़ता नहीं, मेरा बीपी खाली हाई करता है, टीचिंग लाइन बाबू सबसे टफ लाइन है बाबू, आदमी 50 साल के जगह 30 साल बचता है, 5-6 साल में तो लगता है सिधारिये जाएंगे वो, जितना प्रेशर आप लोग देते हो। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू अभी सर क्या सर, a + b यही चीज है ना बाबू, दोनों सेम नंबर है कि नहीं सर, तो आपको नहीं बचपन में पढ़ा, मान लो x × x स्क्वायर होता, यही होता ना, हाँ सर यही तो होता, सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई होता क्या होगा स्क्वायर होगा, तो 5 + √6 का क्या होगा स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना मेरे लाल, है ना, बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती किया, सिमिलर है ना बाबू सिमिलर है ना, यहाँ नहीं कुछ है तो मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है ना, ये 5 + √6 दोनों शक्ल सूरत एकदम सेम है, एकदम जुड़वा एक
इतनी सा भी अंतर नहीं है, तो सिमिलर रहेगा तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ भी सिमिलर है, नहीं है सिमिलर सर, कैसे सर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो दोनों जुड़वा नहीं है, जुड़वा नहीं है ना, जुड़वा नहीं, ठीक। हाँ बाबू जुड़वा तो नहीं है सर, अब शांति से समझना, तो जुड़वा नहीं बोलते, देखो ये फॉर्मूला पर नहीं है सर, कौन फॉर्मूला पर सर, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही ना बाबू, ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस पहले रहे चाहे बाद में रहे, क्या फर्क पड़ता है ना बाबू, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है, तो इसको ए मान लो और फाइव को ए मान लो और सिक्स को क्या मान लो, बी मान लो, है ना बाबू, फाइव को ए मान लो सिक्स को बी मान लो, वही ना बाबू, ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ सर वही है, तो फाइव को हम लोग क्या मान लेंगे सर, ए मान लेंगे और सिक्स को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, बीच में माइनस है, बीच में क्या मेरे लाल, माइनस है, हाँ सर, है ना, हाँ सर, ये सब तो आसान है सर, ये सब तो शर्म आता है। नेक्स्ट बाबू, ये ए हो गया सर और ये कितना हो गया, बी हो गया, है ना, फाइव को ए मान लिया, सिक्स को कितना मान लिया, बी मान लिया, अब ए माइनस बी ए प्लस बी, अरे मेरे लाल, ए प्लस बी ए माइनस बी रहे बाबू, चाहे ए माइनस बी रहे सर और ए प्लस बी रहे, फॉर्मूला बाबा तो मेरा सेम ही होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई वाला टर्म को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, है ना, फॉर्मूला तो मेरा वही होता, क्या होता है सर, है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, ठीक हो, ठीक ठीक। तो हम लोग क्या लिखें, पहले न्यूमरेटर वाला टर्म लिखेंगे, मेरे लाल गलती क्यों बार बार कर देते, ये न्यूमरेटर तो इसको लिखोगे, तो इसको कैसे, ये दोनों सिमिलर टर्म है ना, तो इसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, फाइव प्लस रूट सिक्स का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेम सेम है, सेम सेम पावर मल्टीप्लाई होता है ना, स्क्वायर हो जाता है, और ए माइनस बी ए प्लस बी सर क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी ना लिखे हैं, हाँ सर यही तो लिखा है, तो पहला वाला का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर और माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर, ऊपर में भी तो लिखा हुआ था, हाँ सर, वो जो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी है वो तो ऊपर में भी लिखा हुआ था, ऊपर में बाबू बच्चा बच्चा है, उसे मत बोलो डर जाएगा, पहले वहाँ प्लस है, यहाँ पे पहले माइनस है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन लिखना पड़ता है, ठीक है ना, है ना, अच्छी बात, अच्छी बात है, एक एक लाइन नहीं तोड़ के बताएंगे तो सब रोना था, दोनों सेम चीज है, अरे मेरे लाल इसको लिखो चाहे इसको लिखो कोई फर्क नहीं है, इसको लिखो मल्टीप्लिकेशन कोई चीज दिक्कत नहीं, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन आपको बता दिए, हमको बता दिया है ना, दोनों सेम चीज है ना, ए प्लस बी लिखो चाहे ए माइनस बी, पहले हम लिखो है ना, नेक्स्ट वो, नेक्स्ट वो, अभी बाबू क्या हो गया, इसको ए मान लो, फाइव को ए मान लो और रूट सिक्स को बी मान लो, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, हाँ सर, फाइव को ए मान लोगे और रूट सिक्स को बी मान लोगे तो ए हो गया बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं बोला जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला नहीं आ जाएगा मेरे लाल, फाइव को क्या मान लेंगे बाबू, ए मान लो, फाइव को क्या मान लो मेरे लाल, ए मान लो, ये फाइव को अगर ए मानेंगे बाबू, है ना, फाइव को ए मानेंगे, रूट सिक्स को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पे, है ना, बनेगा ना, है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर, मैंने पहला टर्म का क्या है सर, फाइव का क्या स्क्वायर होगा, ए बराबर फाइव है ना बाबू, तो फाइव का स्क्वायर होगा, नेक्स्ट बाबू प्लस दो, टू है यहाँ पे क्या बाबू, टू है, टू हो गया इन टू, टू के बाद क्या ए है, ए है, टू के बाद क्या बाबू, ए है, तो ए किसको माना, ए किसको माना, फाइव को माना, फाइव को, तो फाइव लिखना इन टू बी, बी किसको माना, रूट सिक्स को माना, रूट सिक्स को माना, तो किसको लिखोगे, रूट सिक्स लिखना, रूट सिक्स लिखना, रूट सिक्स लिखना, ठीक ठीक बाबू, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस कितना है सर, प्लस बी स्क्वायर, प्लस कितना, बी स्क्वायर, तो b किसको माने, किसको माना, रूट सिक्स को b माने ना, b हम लोग b किसको माने, रूट सिक्स को माने, रूट सिक्स को क्या माने, b माने, b माने, है ना, तो b माने रूट सिक्स, तो रूट सिक्स का क्या, यहाँ b क्या स्क्वायर है, तो रूट सिक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक बाबू, नीचे क्या सर, नीचे क्या सर, फाइव का स्क्वायर है, मतलब मम्मी क्या पढ़ाई है, फाइव मल्टीप्लाई फाइव पढ़ाई है, यही पढ़ाई है ना, हाँ सर यही तो पढ़ाई है, माइनस है, माइनस दो, रूट सिक्स का स्क्वायर है, मतलब क्या पढ़ाई है, रूट सिक्स मल्टीप्लाई रूट सिक्स पढ़ाई है, इसके सिवा थोड़ी कुछ पढ़ाई है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट, किस क्लास का, एल के जी का, फाइव का स्क्वायर, पांच को दो बार मल्टीप्लाई करो, तो पांच मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव कितना, ट्वेंटी फाइव, टू मल्टीप्लाई फाइव, टू फाइव जा कितना मम्मी पढ़ाई है, टेन पढ़ाई है, बगल में रूट सिक्स है, तो रूट सिक्स लिख दो, रूट सिक्स का स्क्वायर है बाबू, रूट सिक्स का स्क्वायर कहने का मतलब क्या, छह आएगा, रूट सिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, रूट सिक्स मल्टीप्लाई रूट सिक्स, तो कितना आएगा, छह आएगा, सिक्स आएगा, कितना हो गया, सिक्स हो गया, डिवाइड बाय बाबू, डिवाइड बाय बाबू, फाइव फाइव जा कितना, ट्वेंटी फाइव, और ये रूट सिक्स है,
है ना बाबू, ये कितना रूट सिक्स, रूट सिक्स रूट सिक्स पढ़ाए थे ना बाबू, रूट टू, रूट टू टू, रूट थ्री थ्री, रूट फोर, रूट फोर फोर, रूट फाइव फाइव, तो रूट सिक्स कितना सर, सिक्स सर, सिक्स सर, सिक्स सर। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे देखो बाबू ऐड करना, तो इसको 25 आई 10 ऐड कर दोगे मर्डर हो जाएगा, सुसाइड बाबू, जिंदगी बर्बाद, क्योंकि 6 मेरा ये बहुत 10 रूट 6 ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो इसको इसके साथ नहीं पढ़ना, ये ऐड मत करना। एडिशन ऑफ 60 किस दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए, किसको ऐड करोगे, किस बिना 60 को, हां ये 25 है, बहुत सारा स्टूडेंट 25 प्लस 10 कर दिया 35 कर दिया आंसर, 25 और 6 को क्या करेंगे, हाँ पहला ऑप्शन वही मिलेगा, 25 प्लस 10 करोगे ना 35 में मिलेगा, है ना, पहला ऑप्शन वही मिलेगा, इसको मत करना, इसमें सर नहीं ना, नहीं ना, नहीं सर इसमें है ना, तो इसको इसको मत करना। एगो गाय है, एगो मान लो गाय है, एगो भैंस है, गाय भैंस कभी ऐड नहीं होगा, है ना बाबू, 5 गाय प्लस 5 एगो फैलो कितना, नहीं ना बाबू 10 बोफैलो नहीं ना होगा, तो वही है, वही है, तो ये 25 हो गया, और ये वाला ये दोनों सेम है, 25 प्लस 6 प्लस 10 रूट 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 25 में 25 में 9 6 जाएगा, कितना मम्मी पढ़ाए 90 पढ़ाइए, 25 प्लस 6 कितना 31 प्लस कितना 10 रूट 6 अपॉन कितना 19। लिखिए बाबू लिखिए, एक आधो क्वेश्चन और करवाते, जल्दी से लिखिए, तो खाली फार्मूला तीन को याद रखना बस सर, जो पर मैं फार्मूला लिखे उसको भी लिखना है, हां लिख लीजिए, लिख लीजिए उसको, जिंदगी के बाबू साथ में, जिंदगी के बाद अगान सा वीडियो ऑन कीजिए बाबू, नारायण बाबू वीडियो का नहीं ऑन कर दो शैतान, इसके मम्मी फोन करते हैं आज, आओ कौन कौन गायब है बाबू, चलो अटेंडेंस अब टाइम हो गया बाबू, निक्कू आ गया है, निक्कू तो बाबू, निक्कू रोना नहीं बाबू, अभी कम समझ में आएगा निक्कू, अरे शैतान आज 8 बजे तक पढ़ाएंगे, दिमाग खराब मत कीजिए, तुम पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाना, निक्कू क्या हुआ बाबू, 7:40 तक में सर, हाँ सोना बाबू सर कै बजे आती है सोना, सर कै बजे आते हैं बाबू, नहीं पता सर, उनका ठीक नहीं है टाइम, अच्छा वो चले ठीक है, आप कम से कम ठीक रहे बाबू सर, ठीक का टाइम ठीक रहे चाहे नहीं, आप ठीक रहे सर, सबका अटेंडेंस मार्किंग करना, हाँ बाबू अटेंडेंस मार्किंग करना, कहाँ गया बाबू, हाजिरी उपस्थिति बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, मैं 2 मिनट वीडियो ऑफ रख रही हूँ, मैं लिख ली हूँ, आज महीना का लास्ट ग्रेड है बाबू, इस संडे बाबू 200 सर, आज सर ठीक है ठीक है, सालनी आई है, सालनी तो आई थी, कछुआ भी आई है, सम्यक सम्यक बाबू, अरे बाबू अथी है इनेबल है, सम्यक सम्यक नहीं है जी, चलो मैं बताती हूँ, हाँ बाबू आप तो ये सब बताइए करोगे, सम्यक बाबू चलो नहीं है, नहीं सम्यक नहीं बाबू, आज हो गया कल सर, इस मंथ का लास्ट डे है तो कल टेस्ट देंगे, अनुज आया है, आर्यन आया है, अंकित बिट्टू आया है, लक्ष्मी आई है, पीयूष कौशल आया है, गौरव, गौरव बाबू पीयूष कौशल प्रेजेंट टू मैं, हाँ बाबू चलो ठीक है, आप पीयूष बहुत पीटेंगे गौरव, सारा कंप्लीट कर लिया बाबू, क्या सर हेयर कंप्लीट कर लिया बाबू, चेक करते हैं कल फोन करते हैं, पापा जी कै बजे ड्यूटी से आते हैं, मोहित नहीं है, सौरभ है, सपना है, श्रुति नहीं ना बाबू, श्रुति नहीं है, श्रुति सुबह भी नहीं है, फोन करना पड़ेगा, अंकित है, अलीसा है, सत्यम है, धर्मवीर है, उत्कर्ष है, अस्मिता, अस्मिता तो बाबू चलो नहीं आएगी इस बीच में, सानवी है, प्रधान है, प्रत्युषा है, अदित्री है, जानवी दास है, शर्मा जी है, संजना है, सियोना है, अंशुजीत है, चलो ठीक है, कई गो गाय बाबू, 1 2 3 आप लेते ही नहीं है सर, मेरा नाम आप रजिस्टर में नहीं लिखा है, सर 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 प्रत्युषा नहीं है, अच्छा प्रत्युषा बाबू छोड़िए, प्रत्युषा को सर 4 बजे वाला बैच में अल्जेब्रा स्टार्ट कर दिए, नहीं बाबू अभी नहीं किए, प्रखर का बाबू सर मेरे को नहीं करते हैं क्या सर, मेरा नाम नहीं लेते अटेंडेंस में, आपका बैच ए में है बाबू, लॉस्ट माइंड नंबर, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं बाबू, प्रखर चलिए आप लोग का बाबू 1 तारीख को जो संडे आएगा, संडे को जो आएगा वो आप लोग का प्राइज होगा, कई ऑप्शन है, 1 2 3 सर नाम के साथ बोलिए ना, कौन कौन है, सम्यक ऑप्शन है बाबू, गौरव में लिखा गया नहीं बाबू, मोहित ऑप्शन है और श्रुति ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है,
सर 5 तारीख को ना होगा टेस्ट। मेरा टेस्ट होगा या नहीं सर? कहा नहीं होगा बाबू? नहीं मतलब टेस्ट तो होगा पर वो मेरा अटेंडेंस में वैल्यू होगा। अटेंडेंस वाला, अटेंडेंस वाला नहीं होगा, नॉर्मल प्राइस वाला होगा, टेस्ट वाला होगा, अटेंडेंस वाला कैसे होगा? ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे नेक्स्ट वन नेक्स्ट रख रहे हैं। हो गया जल्दी 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 नेक्स्ट वन सर हो गया। अच्छा ठीक है पांच क्वेश्चन एक और है एक और है एक और है एक ये वाला करवा देते दोनों में रूट रहेगा तो सर यहाँ एगो रूट है ना बाबू अगर दोनों में रूट रहेगा तो सर हमको डर लग जाएगा है ना। जैसे क्या सर एगो और करवा देते आपको 11 नंबर जितना भी पॉसिबल केस है रेशनलाइजेशन का हम लोग सारे कर डालेंगे है ना। देखो एक क्वेश्चन क्या करा बाबू एक क्वेश्चन क्या करा बाबू है ना एक क्वेश्चन क्या करा बाबू क्या है 5√5 प्लस कितना सर √5 + √3 है और √5 - √3 है ये वाला है ना ऊपर भी रूट नीचे भी रूट है ना बाबू किस क्लास का सर वही सर एलकेजी वाला बाबू कोई ज्यादा तो है नहीं समझ में आता लक्ष्मी लक्ष्मी yes, हाँ बाबू फिर कंप्लीट हो गया yes, हाँ बाबू कभी भी बाबू आक्रमण हो सकता है ठीक है ना टाइम में नहीं मिल पाता क्या करे शैतान छुट्टी है फिर भी बाबू आज उसका देखेगा निकू का चेक करना है फिर उधर है एक गौरव बच गए एक आप बच गए हिट लिस्ट में जो दूर दूर का है बाबू नजदीक वाला को तो जाकर पिटिए देते हैं है ना बाबू यही है इसको कह रहा बाबू कि नीचे से ये करो इसको क्वेश्चन ऐसे रखेगा रेशनलाइज है ना रेशनलाइज द गिवन टर्म दिए गए टर्म को रेशनलाइज करो तो कैसे करना है कुछ नहीं करना है एलकेजी का कंसेप्ट लगाना है ना कैसे करेंगे मेरे लास्ट कैसे करेंगे क्या सर √5 बाबू ठीक सर +√3 और डिवाइड बाई कितना बाबू √5 बाबू -√3 है ना यही है ठीक ठीक बाबू यही तो है सर। अब आपको क्या करना बाबू क्या करना यहाँ डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर जो डिनोमिनेटर में रहे उसी से और कुछ नहीं और जिंदगी में कोई नहीं है जिंदगी में डिनोमिनेटर के सिवा कुछ नहीं है तो √5 हो गया बाबू और √3 हो गया और कितना हो गया √5 हो गया √3 हो गया। यहाँ आँख खोल के देखना जो साइन रहेगा उसका उल्टा से करना तो माइनस है ना हाँ सर माइनस है तो किससे करेंगे प्लस से करेंगे प्लस से करेंगे ठीक। अब उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस लगाए हैं सर वैसे वैसे फिर से करना वही बात को फिर से बोलना है समझना है तो ये सब क्वेश्चन बाबू जानते अपने फ्रेंड सबसे पूछोगे ना तो नहीं बता पाएगा पता नहीं बाबू क्या नहीं समझ में आता है या तो टीचर नहीं सही से समझा पाते नंबर 11 हाँ बाबू नंबर 11 ठीक नेक्स्ट बाबू। अब देखो यहाँ बाबू क्या आपको बताए थे बचपन में जिस समय थे उसी समय बताए थे न्यूमरेटर कौशल शैतान वीडियो ऑन करो इसको तो कूट देंगे पकड़ के ये न्यूमरेटर है ना सर तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर में कितना सर √5 + √3 है ना ठीक है बाबू और ये है बाबू ये बीच में मल्टीप्लाई है ना तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 बाबू +√3 ये क्या सर न्यूमरेटर है ना तो न्यूमरेटर वाला लिख दिए डिनोमिनेटर में आ जाओ जिंदगी डिनोमिनेटर में ये दोनों यह दोनों को लिख दो सर एक बार √5 बाबू -√3 और √5 बाबू +√3 कहाँ से सर अरे यहाँ से ये वाला यहाँ हो गया ये वाला यहाँ हो गया अपना घर से थोड़ी लाए बाबू है ना अपना घर से नहीं लाए नेक्स्ट हो नेक्स्ट। अब सर ये नहीं दिख रहा बाबू ये सिमिलर टर्म जुड़वा भाई नहीं बाबू देखो तो कुछ आंख दोनों खोल के देखो तो कुछ इतने सभी अंतर है दोनों में ये भी √5 + √5 + √3 सारा सेम है तो सेम चीज मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं सेम चीज मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या लिखते हैं स्क्वायर में लिखते हैं तो √5 + √3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे सिमिलर चीज बाबू दो बार मल्टीप्लाई रहता तो उसको स्क्वायर में लिखते हैं है ना तीन बार रहेगा तो यहाँ √3 देंगे चार बार रहेगा तो √4 देंगे है ना नेक्स्ट हो ये सिमिलर है नहीं सर ये तो मेरा एलकेजी का बच्चा भी बताएगा यहाँ √5 √5 लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस सिमिलर नहीं है नहीं है ना नहीं तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे मेरे लास्ट इसको फार्मूला देखो ये फार्मूला पे कैसे सर यहाँ देखो a - b a + b ये ना पहला टर्म √5 को a मान लो और √3 को b मान लो तो a - b और इसको a + b यही है ना हाँ सर तो a - b a + b का फॉर्मूला क्या सर a² - b² मतलब पहला वाला जो इसको मानेंगे उसका क्या हो गया ए स्क्वायर करोगे अरे मेरे लाल सुसाइड कर लेंगे नहीं पढ़ोगे तो सुसाइड कर लेंगे हमने क्या बोला √5 को a मानो एक के गोयर हो देते हैं ठीक √3 को b मानो अब बीच में माइनस हो गया था a - b हो गया
ठीक बाबू सर, क्वेश्चन किस टाइप का है वो देख के उस टाइप का आइडेंटिटी यूज करेंगे। रूट थ्री को बी मानो तो ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है सर, मैंने क्या पढ़ाई है, तो ए किसको माना, रूट फाइव को ना, तो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे बी पे हाई कर बाद माइनस, ठीक, इसको क्या माने बी माने, रूट थ्री को क्या माने बी माने, तो यहाँ क्या है सर बी का स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे रूट थ्री का स्क्वायर। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू, अब सर इसको भी ए मानोगे इसको बी मानोगे तो ये प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होगा, चार रूट फाइव को ए मान लो और रूट थ्री को बी मान लो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। लाइनिंग आ रहा है मेरे लाल? नो सर आ रहा था, चला गया। हाँ तो आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना, वीडियो ऑन करते हो तो वो भी वैसे ही करता, जैसे आप मजाक करते हो वैसे वो करता है। ठीक बाबू, अरे सर ये क्या है सर, फॉर्मूला नहीं बनेगा सर, इसको रूट फाइव को ए मान लो बी मान लो है ना, तो ये क्या हो जाएगा रूट फाइव बाई रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही बुलाएगा ना। हाँ सर यही बुलाएगा, यही बुलाएगा। अरे मेरे लाल काहे नहीं समझ में आता, कसम खा के काहे बैठा वो। रूट फाइव को ए मानेंगे, कौन कलर से लिखे, रेड से लिखते हैं, रूट फाइव को ए मानोगे मेरे बाबू और रूट बी को रूट थ्री को बी मानोगे, बीच में प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, तो फॉर्मूला क्या है सर ए स्क्वायर है, मतलब क्या है सर पहला वाला जो टर्म उसका स्क्वायर है, तो रूट ए किसको मानो रूट फाइव को, तो रूट फाइव का कितना होगा स्क्वायर होगा, ठीक, उसके फॉर्मूला में क्या सर टू है, टू है टू है तो टू लिखना प्लस टू है, ठीक, फिर क्या सर ए है, टू ए भी है ना, तो ए है, ए किसको माने रूट फाइव को माने, तो रूट फाइव हो गया, फिर बी है, बी किसको माने सर रूट थ्री को, तो उसको अलग मार्कर से लिख देते हैं रूट थ्री को, फिर प्लस है बाबू, ठीक, कितना सर प्लस फॉर्मूला क्या सर बी स्क्वायर है, क्या बी स्क्वायर है, बी किसको माने रूट थ्री को माने, तो रूट थ्री का स्क्वायर है। नेक्स्ट रूट फाइव का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, तो रूट फाइव का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई, रूट फाइव इंटू रूट फाइव नहीं पढ़ाई है ना, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, रूट थ्री का स्क्वायर कितना स्क्वायर है, मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर होता है सिमिलर नंबर दो बार मल्टीप्लाई होता है ना, अच्छी बात है, ठीक। अगर वहाँ पे फाइव है और माइनस थ्री है और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फाइव है प्लस थ्री है ब्रैकेट क्लोज, जैसे अभी इसमें दिया है, तो मतलब अगर ऐसे लिखेंगे कि शब्द में फाइव माइनस शब्द में थ्री और उसको फिर उसके ऊपर पावर टू देंगे तो गलत होगा ना, होल पावर नहीं देंगे बाबू, होल पावर नहीं देंगे वो गलत हो जाएगा, होल पावर नहीं, गलत होगा। हाँ यहाँ देखो रूट फाइव का स्क्वायर है ना सर, तो रूट फाइव का स्क्वायर करने का मतलब क्या बाबू, रूट फाइव का स्क्वायर करने का मतलब क्या बाबू, रूट फाइव का स्क्वायर करने का मतलब क्या, रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट फाइव, तो सूर्य में पढ़ाए थे रूट फाइव मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फाइव आएगा। नेक्स्ट बाबू टू मल्टीप्लाई रूट फाइव मल्टीप्लाई रूट थ्री, अब यहाँ बाबू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स किस दिन के लिए पढ़ाए थे बाबू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स पढ़ाए ना किस दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, आपको जो भी सिलेबस डिजाइन किया बाबू है ना, जो जो आगे यूज होगा पहले आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ ऑर्डर रूट फाइव रूट थ्री तो ऑर्डर सेम है ना, तो ये आपस में सर्ड्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, याद करो जब इतनी से थी तब रूट फाइव रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ सर, तो रूट फाइव रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर रूट फिफ्टीन बनेगा है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स पढ़ाए थे ना, हाँ सर, ठीक। यहाँ रूट थ्री है, यहाँ क्या वो रूट थ्री का स्क्वायर है, तो किसी भी स्क्वायर है बाबू उस पे ये स्क्वायर रूट है ये है तो ये कितना देगा थ्री देगा। अरे मेरे लाल जैसे यहाँ रूट फाइव, यहाँ जैसे ये वैसे ही लिखेंगे ना मेरे लाल, रूट फाइव का स्क्वायर है तो रूट फाइव करेंगे तो रूट फाइव क्या आता है सर फाइव आता है, तो वही चीज यहीं पे है, ये जो है वही ना, इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं, रूट फाइव कितना देगा फाइव देगा, रूट थ्री कितना देगा थ्री देगा। नेक्स्ट बाबू अब यहाँ फाइव है सर, ये बाबू प्लस होगा यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे प्लस, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो ये थ्री आएगा ना, अब बीच में प्लस है, ये बाबू रूट थ्री है, यहाँ पे सही से लिखो है ना, ठीक बाबू। अब बाबू यहाँ पे इसको किसको ऐड कर दोगे, फाइव प्लस टू सेवन कर देगा, पहला ऑप्शन वही मिलेगा, मर्डर हो जाएगा, ये मत करना फाइव प्लस टू सेवन मत करना है ना, क्यों सर, क्योंकि टू के साथ ये सर्ड्स है, सर्ड्स बिना सर्ड्स को लेकर नहीं ऐड करेंगे, गाय को भैंस के साथ हम लोग नहीं ऐड करते हैं बाबू है ना, हमेशा बाबू गाय गाय के काऊ काऊ के साथ ऐड होगा, तो फाइव प्लस थ्री और प्लस कितना हो जाए बाबू टू रूट फिफ्टीन। अब बाबू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन दे चाहे नहीं देते, जनरली नहीं देते, जनरली नहीं देते, आपको समझाने के लिए यहाँ दिए थे ना, नहीं देते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू टू हो गया, फाइव प्लस थ्री कितना मम्मी पढ़ाई एट पढ़ाई है, प्लस टू रूट है ना टू रूट फिफ्टीन अपॉन कितना टू हो जाएगा, अपॉन टू हो जाएगा, राइट डाउन करो बाबू
देखो अगला क्वेश्चन करवाते राइट डन कीजिए तो सर फिजिक्स का टाइम अच्छा ठीक है। काय स्वाति बाबू काय हवा पी रही बाबू लिख ली नहीं समझ में आ रहा कछुआ इसको नहीं समझ में आ रहा समझ नहीं समझ में आ रहा बाबू सर आ रहा है कैसे आ रहा बाबू ना लिख रही हूँ ना पढ़ रही खाली इधर उधर करे हम कैसे विश्वास करें बाबू सर मैंने लिख लिया अरे मेरे लाल तो और पीटेंगे आज अटेंडेंस सब मार्किंग का शैतान जब समझा रहे थे तो लिख रहे थे तो और पीटेंगे तो लिख ली तो क्यों पीटेंगे हाँ बोलते पीटेंगे नहीं बाबू समझाने समय से समझना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बाबू लिखना नहीं है निकू रोना नहीं बाबू निकू हिम्मत से बाबू दीजिएगा सर क्या मेरे लाल पूछो सर वो सर वो एट तो कैंसिल हो सकता है क्लियर नहीं है ये मतलब ये वाला सर वो एट टू से हो सकता है ना सर कैंसिल हां मेरा टू से कैंसिल होकर 4 प्लस रूट 5 और रूट 4 प्लस टू रूट 15 आइडेंटिटी हर थोड़ा सा समझ नहीं आया अच्छा ठीक आ जाएगा चाहिए रोइए मत सर आइडेंटिटी हर पेज सर वो प्लस में तब तो दोनों से लिख रहे एक बार लिख लेना पर खराने दीजिए हर पे हर एक पेज पे नहीं लिखे हैं ठीक है सर सर लिखिए सर वेरी गुड अच्छी बात है वीडियो का बंद रखता है एक क्वेश्चन और करते हैं यही क्वेश्चन है क्वेश्चन यही बाबू क्वेश्चन जल्दी लिखिए फिक्स सात तीन गया फिजिक्स का टाइम हो गया अच्छा बाबू सर 40 मिनट हो गए सर गाइस वाइज दे दो हां बाबू सुबह सुबह आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हाँ सुबह सुबह केमिस्ट्री चलता है कितना बजे से 5 बजे से मैं भी जाना जाऊं अरे मेरे लाल पहले बाबू अलजेब्रा तो खत्म करने दीजिए ऐसा आप लोग को भी पढ़ाएंगे बाबू निकू ठीक है ना आपको भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो क्लास थोड़ा हायर क्लासेस है 9 क्लास के बच्चे के लिए है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मेरे भी बुक में पढ़ाया गया मेरे भी में जो सेवन सेंटर में आ रहे हो ना उसमें चैप्टर है ये अच्छा अच्छा ठीक है तो आज वाला वीडियो देख के अटेंड हो जाइएगा ओके सर आज वाला वीडियो देख कितना बजेगा 5 बजे सुबह में 5 बजे जीवन के साथ भी इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो तो बाबू इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा इतना लिखो ना फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं ना सर 2 से 8 कट जाएगा क्या अरे मेरे लाल वैसे थोड़ी कटता है बाबू सर कटेगा तो 8 मैं भी इसका नोट पेयर नोट करने लगूं सारे बैच का अलग अलग करना है हॉचपॉच नहीं करना नहीं तो बाबू कहना कंफ्यूजन नहीं हो जाए ओके सर जल्दी लिखे जल्दी लिखे इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे क्यों सर क्योंकि हमको अभी इसका जरूरत है सर इसके बाद एक और क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन यही क्वेश्चन है थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा अंतर है ठीक है ना इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो तो सर कैसे करेंगे सर देखो कैसे करेंगे 8 यहाँ 2 है ना बाबू हाँ सर तो 8 को बाबू 2 के टर्म में लिखो तो 2 × 4 नहीं लिख सकते सर एलजेब्रा में बताए ना बाबू 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको नहीं लिखना इसको मत लिखना है ना इसको मत लिखना 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 × 4 लिखेंगे तो दिक्कत होगा नहीं सर क्यों सर क्योंकि बाबू यहाँ भी 2 है इसीलिए 2 के टर्म में लिखें प्लस दो बाबू 2√15 डिवाइड बाय बाबू कितना 2 ठीक अब आपको बाबू बताएं बाबू कॉमन लेने के लिए बताएं जो नंबर बाबू सारे जगह अगर प्रेजेंट रहता है हर एक टर्म में प्रेजेंट रहता है उसको बाबू हम लोग बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं ना थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा जो नया बच्चा है ना इसीलिए बाबू हम लोग इसको यहीं पे छोड़ रहे थे लेकिन अगला क्वेश्चन में इसको यूज आएंगे यहाँ भी 2 है ना सर हाँ सर यहाँ भी 2 है ना तो इसको हम लोग बाबू एक ब्रैकेट साइन देंगे इस तरह से ब्रैकेट देंगे ठीक और ई टू है जो सेम है उसको ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं तो ई टू बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 2 जब बाहर हो गया तो क्या बचेगा 2 बाहर हो गया तो 4 ही ना बचा था 4 लिख देंगे प्लस है प्लस लिखो यहाँ से √2 बाहर हो गया तो क्या बचेगा √15 बचेगा डिवाइड बाई 2 है डिनोमिनेटर में 2 हो गया है ना ठीक बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहता है बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहता तो इसको कैंसिल कर देते हैं ठीक बाबू तो अल्टीमेटली अब क्या बचा ऊपर में 4 + √5 तो ये आपका हो गया सिंपल फॉर्म में
हाँ रूट फिफ्टीन हो जाएगा, रूट फिफ्टीन हो जाएगा, फोर प्लस रूट फिफ्टीन है, मेरा बच्चा अब टना टेन हो गया है, सब टना टेन हो गया, वेरी गुड मेरे लाल। ये सब बाबू आप किसी से बात करेगा, जहां जाएगा क्या पढ़ाएगा सर, ये सब आप नाइन टेन में जाकर पढ़ाएगा, अभी हम पढ़ लिए। जल्दी लिखे बाबू, एक क्वेश्चन इसी के मिलता जुलता क्वेश्चन है, जल्दी लिखो 12 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सर इंटरनेट नहीं चल रहा सर, इसलिए वीडियो ऑफ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, फाइंड द, हाँ बाबू सर 15 के आगे जो आप 2 लिखे से कोएफिशिएंट में, सर वो भी तो होगा ना सर। मेरे लाल E2 बाहर निकल गया, जबरा भूल गया शैतान, E2 बाहर निकल गया, तो यहाँ से 4 बचा, रूट 15 से 2 बाहर निकल गया, तो रूट 15 है बचेगा ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू ए, वैल्यू ऑफ बाबू ए एंड बी, सर फिजिक्स का टाइम हो गया। अच्छा मेरे लाल इसको तो कम से कम करके खत्म कर लो बाबू, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा बाबू, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो 3 डिजिट रहेगा, तो 3 डिजिट वाला आपको नहीं पूछेगा मेरे लाल, 3 उसके उसके बाद पेयर करके बनाना, 4 डिजिट वाला पेयर करके बना लेना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू ए एंड बी, बाबू नहीं होता है सर, ए पेयर करके बना लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू ए एंड बी बाबू, इफ बाबू, इफ बाबू, इफ बाबू, इतना इतना बराबर कितना दिया बाबू, ए प्लस है ना बी है, रूट 15 है, क्वेश्चन है बाबू। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाबू, इफ बाबू रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए प्लस इतना दिया हो तो ए बी की वैल्यू निकालो, इतना बराबर इतना दिया हो तो ए बी की वैल्यू निकालने के, क्वेश्चन लिखो फिर समझाते हैं सर। क्वेश्चन लिख लिया, हाँ मेरे लिए क्या बोल रहे बाबू आर्यन सर, सर क्वेश्चन नहीं आया अरे 8 बजे तक हम लोग पढ़ लेंगे, अपना क्लास हर घर क्लास बाबू, घर घर क्लास, हर हर क्लास, हर हर क्लास, घर घर क्लास। सर आप दूसरी वाली दूसरा बैच नहीं है क्या इसके बाद? इसके बाद बैच का टाइमिंग सुबह हो गया है, बच्चा आएगा तो अपने आएगा। रात में तो 2 बजे चलता था सर, लाइनिंग आ रहा है, 2 बजे चलता था फिर चलेगा, अभी थोड़ा सा टूर पे है सब समर वेकेशन का। अरे शैतान कहाँ लाइनिंग आ रहा है मेरे लाल, सर लाइनिंग आ रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो ठीक, इसको जल्दी से लिखो फिर समझाते हैं, समझाते हैं सर। मोबाइल बाबू, अच्छा ठीक है, मोबाइल बाबू जीवन के साथ है, जीवन के बाद नहीं रहेगा लगता है। चलिए बाबू अब लाइनिंग नहीं आप लोग को आएगा, अब टर्न टर्न आएगा ना, नीचे करिए। अच्छा ठीक है नीचे कर देते हैं, जैसे हो, चलो ठीक है। देखो बाबू क्या कर रहा बाबू, आपको क्वेश्चन पहले समझना है, कह रहे बाबू ए बी की वैल्यू निकालिए, इसका आंसर याद रखो, इसका हम लोग जो अभी अभी यही क्वेश्चन हमने सोल्व किया बाबू, क्वेश्चन यही सोल्व किया, तो इसका आंसर कितना आया सर, 4 प्लस पे रूट 15 आया, इसी क्वेश्चन को हमने अभी सोल्व किया बाबू, तो आंसर कितना आया, 4 प्लस रूट 15 आया, यही ना मेरे लाल, हाँ सर यही तो आया बाबू, इसको रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3 को सोल्व किया ना जी एक पेज में सर, तो कितना आंसर है, यही आंसर वो है, कहाँ से, यहाँ यहाँ लिखल नहीं, यहाँ लिखल नहीं है ना, हाँ बाबू यही लिखल है, ठीक ठीक बाबू। अब आपको क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, कह रहा बाबू, कह रहा बाबू a बराबर 4 b बराबर 1, और क्या b बराबर हो गया, और क्या डराता है बाबू, कहते हैं ना बाबू कि 9-10 में डराता है, ठीक है ना, कुछ नहीं डराता है खाली, इसमें कुछ दम है, देखो ना कैसे मजाक हंसी भराएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बाबू, इफ बाबू रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3 बराबर इतना दिया हुआ, इतना दिया हुआ, ठीक इतना दिया हुआ, तो यहाँ से बाबू जब इतना बराबर इतना दिया हुआ है मेरे लाल, शांति से समझो, डरा दिया है, देखो ना मजाक बना दिया बाबू आप लोग के जिंदगी के, दिखाएंगे ना किस क्लास का है, तो आप लोग बाबू हार्ट अटैक आ जाएगा, सर इस क्लास में दिया रूट 5 प्लस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या दिया बाबू, ए प्लस बी रूट 15 दिया हुआ, ठीक सर, तो कह रहा है अरे शैतान एल के जी का,
देखो इतना बराबर इतना दिया हुआ है, कह रहा वो कि यहाँ ए और बी की वैल्यू क्या रखोगे, है ना, क्या रखोगे, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इस शर्ट को क्या करना वो सिंप्लीफाई कर लेना, कैसे सर, रेशनलाइजेशन कर, है ना, आसान से समझो। अच्छा ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन करोगे, इसको क्या करोगे सर, इसको रेशनलाइजेशन करोगे, ठीक, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, है ना बाबू। इसके बाद दोनों साइड कंपेयर कर लेना, है ना, ठीक। तो इसको जब रेशनलाइजेशन करेंगे, वो रेशनलाइजेशन करेंगे तो अभी ना किए हैं, किस दिन के लिए किए थे, इसी दिन के लिए ना, तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे बाबू, तो आंसर वह कहाँ लिखे, यही लिखे ना, अभी अभी ना इसको प्रीवियस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करके लिखे बाबू, है ना, ठीक है, ठीक। तो ये कितना हो गया मेरे बाबू, कितना हो गया, 4 + √15 हो गया। इसको रेशनलाइजेशन करोगे, √5 + √3 से करोगे ना जी, हाँ सर, तो यही आंसर आएगा, यही आएगा। इतना बराबर कितना दिया हुआ, ए प्लस ए दिया हुआ ना, इसको रेशनलाइजेशन करके इतना आएगा, आई बगल में ये दिया हुआ है, ए प्लस बी √15। अब यहाँ पे कंपेयर करो, ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा, शांति से समझना। देखो यहाँ बाबू बी के बगल में कौन है, ये बी है, बी है, बी है, बी के बगल में √15 है ना बाबू, ठीक सर, ठीक सर, वही तो है सर, ठीक। कितना बाबू, 4 है बाबू, प्लस है, 4 + √15 आया था, तो बी के बगल में √15 है। तो यहाँ देखना, आँख खोल के देखना, मैंने वो स्क्वायर रूट वाला टर्म कौन सा, आँख खोल के देखना, है ना, ठीक। तो बी के बगल में √15 है, और यहाँ बाबू √15 है, तो यहाँ बी √15 के बगल में नहीं कुछ है, तो मम्मी क्या पढ़ाए, जिसके बाबू बगल में नहीं कुछ रहता वहाँ 1 रहता, सबका साया है, सबका मालिक एक बाबू, है ना, यहाँ पे नहीं कुछ है बाबू, तो सबका मालिक एक 1 है, है ना, हाँ सर। तो यहाँ √15 ये कंपेयर हो गया जी, तो √15 के बगल में कौन है, बी है, तो यहाँ √15 के बगल में कौन है, ए है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे बाबू √15 के बगल में कौन है सर, बी है सर, यहाँ √15 के बगल में कौन है सर, 1 है, नहीं पूछा तो 1 है, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ यहाँ बाबू प्लस है, प्लस है, शांति समझना, यहाँ एक क्या है, ए है, तो प्लस के बगल में ए है, यहाँ प्लस के बगल में 4 है, तो ए बराबर कितना, 4 है, ए बराबर कितना, मजाक बना दिया, ए बराबर 4 है, तो ए बी की वैल्यू कितना हो गया सर, इसलिए बाबू ए बराबर 4 हो गया बाबू, बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, मजाक बना के छोड़ दिया आप लोग के लाइफ को, ना समझे बाबू। अरे ये क्या क्वेश्चन था, हाँ बाबू, अब किस क्लास में दिया बाबू, ना बोलेंगे, चलो लिखो चुप, चलो लिखो, बैक कैमरा कर दीजिए, बहुत लाइट दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा देते हैं देते हैं देते हैं, एक और देते हैं देते हैं देते हैं मेरे लाल, जीवन का दिया भाई दे दीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी से आप लोगों को, एक घंटा पढ़ लिया मैथ्स, अब तो फिजिक्स पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, एक दो दो क्वेश्चन दे देता है ना बाबू, √3 + √7 वाला करवाएं बाबू, नहीं करवाएं, नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 13 इसको बना कर, इतना होगा सर, 4 + 1 √15 अब दिए हैं सर, इसका आंसर 4 + 2 √15 आता है ना। अरे मेरे लाल, ये तो और बाबू पागल हो गया बाबू, 2 कॉमन लेंगे तो √15 से 2 बाहर निकलेगा तो बाहर निकल जाएगा ना, वो कॉमन वाला कांसेप्ट भूल गया है। अच्छा सर, फाइंड द वैल्यू बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 बाबू, है ना, इसको क्वेश्चन इसको ऐसे लिखो बाबू, क्वेश्चन लिखो बाबू 13 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना बाबू, ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू निकालो, ए नंबर बाबू, अगर जो आंसर आएगा प्लस में उधर पूछेगा माइनस में, तब कैसे करेंगे, नहीं बाबू ऐसा नहीं होता बाबू, ठीक है ना, अगर एगो प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा बाबू, है ना, तो इसको प्लस करके माइनस लिख देना कहीं भी बाबू, मान लो कि -3 है तो इसको प्लस या -3 ना लिख सकते मेरे लाल। यस सर, हाँ तो फिर ये सब बाबू एलकेजी का चीज है मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू क्या कर रहा बाबू, √3 - 1 / √3 + 1 = क्या कर रहा बाबू, a + b √3 कह रहा। जब इसको रेशनलाइजेशन करो बाबू, तो एगो √3 का टर्म आईबे करेगा, एगो √3 का टर्म आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। सर एंट्री दे दीजिए सर, ऐसा क्वेश्चन विद्या सागर में है सर, नंबर 18। हाँ मेरे लाल, ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू 5 + √3 / √7 - √3
इक्वल टू ए प्लस बाबू वही है बी रूट थ्री है। लिखिए ये दो बना के लाए ज्यादा नहीं है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। चलिए अब हम लोग साइंस पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। रुक जाइए लिख रहा हूँ डियर, पढ़ा दीजिए ना, कितना देर पढ़ाइएगा? चार मिनट है। कौन सी चार मिनट? कैसे चार मिनट पर खड़ा, कौन सा घड़ी से कैलकुलेट कर रही बाबू? सर एक घंटा मिनट सर। हाँ मेरे लाल, फिर सर आठ बजे तक है ना क्लास? हाँ बाबू हम लोग आठ नौ दस बजे तक सब तक पढ़ेंगे। पहले लिखो इसको, लिखो 6:40 तक ना। अच्छा मेरे लाल सर 7-4√3 लिखे है ना? हाँ 7-4√3 है, बन नहीं बनी ना बोरी स्वाति तो कूटेंगे, भर पेट कूटेंगे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। अब एक और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है बाबू, इंग्लिश का टीचर खोजना। आप लोग के कोई कॉन्टेक्ट में इंग्लिश को होम ट्यूशन पढ़ाते होंगे, बात कीजिएगा तो नंबर दीजिएगा तो थोड़ा। तो कोचिंग पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन ना, होम ट्यूशन वाला चाहिए बाबू, कोचिंग वाला नहीं चाहिए सर। हाँ है सर, है। आपका बहुत बहुत दूर हो जाएगा वो, फिर उनको हमको वहाँ बहुत दूर हो जाएगा, हम बिहार से लोकल खोजेंगे ना वो, फिर उनको कैसे समझाएंगे? नहीं सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मनदीप सर उनका नाम। हाँ मेरे लाल तो, लेकिन बहुत दूर हो जाएंगे वो, आना जाना हमको दिक्कत हो जाएगा। हाँ सर दूर तो है, बिहार शरीफ में खोजेंगे वो, कोई टीचर मिलेंगे तो। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। आप लोग इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते। नारायण बाबू चलो ठीक है, नारायण वीडियो का जल्दी लिखे। नारायण बाबू जॉब ही नहीं मिलेगा सर, आराम से मिलेगा बाबू, पागल आदमी को ही बढ़िया कंपनी में जॉब मिलता है, जो चूंकि जानता है मेरा कंपनी को, पागल आदमी ऊपर लेके जाएगा, पागल आदमी से कंपनी को पागल कर देगा, ऐसा बात नहीं बाबू। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे मेरे लाल, जल्दी लिखे। पागल मतलब सीरियस वाला पागल थोड़ी, पढ़ाई में पागल, काम में पागल, उसको पागल कहेंगे कि दिमागी से पागल थोड़ी कह रहे हैं कि दिमाग से पागल हो जाओ। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, लिख लिया सर। चलो ठीक है आप लोग ले सकते हो सर, रिकॉर्डिंग भी पॉज करना है बाबू। एक मिनट बाबू,